अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू रिजवानास किचन। आज हम बनाएंगे आम जेली। मैंगो जेली बनाने के लिए हमने लिया है एक मैंगो, और उसको डेकोरेट करने के लिए कोकोनट का हमने पाउडर लिया है। अगर आपको शक्कर से भी डेकोरेट करना है तो कर सकते हैं। अभी हम मैंगो को पहले छिलका निकाल कर लेंगे। अब हम इसको मिक्सर के बर्तन में काट कर डाल देंगे। आम हमने कट करके ले लिया है, अभी हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच शक्कर। ये जेली में भी हमको शक्कर लगेगी, इसके लिए हमने इसमें 4 चम्मच शक्कर डाला। अभी हम इसको पीस कर ले लेंगे। देखिए मैंगो हमारा पीस कर हो गया। अभी हम इसको कढ़ाई में डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे उंगली की मदद से। इसको हम इस तरह से, चम्मच से नहीं निकल रहा है ना वो, इसलिए हमको उंगली की मदद से इसको निकालना है। अभी हम इसको अच्छी तरह से इस तरह से इसको चम्मच से हिला के सॉफ्ट कर देंगे। देखिए इसी के अंदर हम कॉर्नफ्लोर का आटा डालेंगे। 3 चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लोर का आटा डालेंगे। देखिए इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसके गैस पे हमको बाद में रखना है, यही पे इसको हमको इस तरह से मिक्स करके लेना है। देखिए कॉर्नफ्लोर हमने इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। शक्कर हम बाद में चेक करेंगे, अगर कम लगी तो और डालेंगे। पहले हम केक टिन को ग्रीस करके रखेंगे। तेल या घी से आपको जो लगाना है, घी भी लगा सकते हैं या तेल भी लगा सकते हैं। गैस पे हमने बर्तन रख दिया है। अब हम इसको गाढ़ा होने तक इसको पका कर देंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी डालेंगे। जब तक ये एकदम गाढ़ा नहीं होता तब तक हम इसको पकाना है। थोड़ी इसमें चीनी कम लग रही है, इसके लिए हम इसके अंदर और 2 चम्मच चीनी ऐड करेंगे और अच्छी तरह उसको गाढ़ा होने तक पकाते रहेंगे। एकदम गाढ़ा होने तक हमको इसको पकाना है, हाथ चलाते रहना है, नहीं तो गुठलियाँ जमेंगी। जेली हमारी गाढ़ी होना शुरू हो गई है, और गाढ़ी करना है इसको हमको, हिलाते रहना है नहीं तो नीचे जल जाए। मैंगो जेली हमारी गाढ़ी हो गई है। अभी हम इसको केक टिन में सर्व करेंगे। ठंडी होने के बाद ये खुद ब खुद और गाढ़ी होंगी। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसको हम केक टिन में डाल देंगे। पंखे के नीचे हम इसको ठंडी होने के लिए रख देंगे 1 घंटे के लिए, फिर बाद में मैं आपको बताती हूँ। इसको पंखे के नीचे ठंडी होने के लिए रख देंगे। ये हमारी अच्छी तरह ठंडी हो गई है। अभी हम इसको प्लेट में निकाल लें। हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है। अब इसकी पीसेस करेंगे। देखिए कितनी मस्त जेली बनी है हमारी। अगर आपको ऐसे ही खाना है तो ऐसे भी खा सकते हैं। अगर आपको इसके ऊपर चीनी लगाना है जेली पे, चीनी भी लगा सकते हैं। मैं कोकोनट पाउडर लगा रही हूँ।
प्लेट में रखते हैं। देखिए हमने इसको कोकोनट पाउडर लगा दिया है, अभी जो बचा है हम इसको चीनी लगाएं, इस पे हम चीनी लगाएंगे। अगर इसका आपको और पीस करना है तो और भी छोटे कर लो। मैंगो जेली हमारी बनके तैयार है। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरी रेसिपी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिए। फिर मिलती हूँ मैं आपको एक नई रेसिपी के साथ। बाय, अल्लाह हाफिज़।